सूट नहीं कर पाया है क्योंकि मम्मी की भी तबीयत ख़राब है और मेरी भी तबीयत पूरी तरीके से ख़राब है। थोड़ा सर दर्द होता है, हेडेक थोड़ा है सर में, और थोड़ा बहुत ज़्यादा बारिश में कल मैं स्कूल से आते आते भीग गया था, इसलिए तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। दोनों बुखार हैं, एक मम्मी भी सो रही है और मुझको भी तकलीफ हो रही थी, लेकिन फिर भी सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए जो है बना बता रही हो। क्या कहते तो गर्म कर रही है ताकि हम लोगों को मतलब काढ़ा वाढ़ा बना कर दें, देखते हैं आगे क्या करें। हेलो दोस्तों, देखिए शुभांगी मेरे सेवा कर रही है और हाथ पैर में बायोटेक्स लगा रही है, देख रहा है। ये देखो बहुत तकलीफ है, बहुत दर्द हो रहा है, पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द है किसी तरह बस। और इधर देखिए सुबह के दिखा दो, ये देखिए गाइस रुक, लेकिन दिखा ही नहीं पा पाते, दिखा बेटी तनिक दिखा दे भैया का। बंद कर दे, ये देखिए गाइस ये हम लोगों को नाश्ता आ गए हैं। मम्मी की तबीयत ख़राब है, नाश्ता आ गया था, इडली थी तो हमने इडली खा ली। अभी मम्मी अभी थोड़ा सा ही खा पाई हैं क्योंकि बहुत मम्मी की तबीयत ख़राब है, और जो कल बुखार था मुझको तो वो अभी थोड़ा सा मतलब अभी ठीक है। स्त्री बाबू छाले पड़ गए मुँह में, तो वो भी आज मैं दवाई ले लूँगा तो फिर तबीयत। गौरी इधर आ, बाकी अब सबकी तबीयत तो सही है, पर अभी सही होना बाकी है क्योंकि सबके घुटने में दर्द हो। देखिएगा मम्मी की तबीयत भी सही हो चुकी है, आपको दिखाता हूँ अंदर का। तो भाई अभी मतलब कि हम लोगों की तबीयत सही हो चुकी है, पर बहन की अभी ख़राब हो गई है। और ये देखिए आपको दिखाते हैं बाहर का मौसम, बाहर का मौसम ज़्यादा ठीक तो नहीं है पर जैसा भी है ठीक ही है। ये देखेंगे आज बना हुआ है कढ़ी, कढ़ी पकौड़े। ये देखेगा इस चावल बने, ये देखेगा इस खाना हमारा तैयार हो चुका है। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना।